तो मेरा नाम है खुशाल कुमार। इस वीडियो में आज हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा टियागो और टाटा एल्ट्रोस को। टाटा टियागो का जो ये है XT वेरिएंट है और ये है टाटा एल्ट्रोस का बिल्कुल बेस वेरिएंट। बात करते हैं दोनों के प्राइस के बारे में, तो 15,000 रुपीज का सिर्फ प्राइस डिफरेंस है दोनों कार में, तो फिर इनका जो कंपेरिजन वो बनता है। टाटा टियागो एक हैचबैक कार है और जो टाटा एल्ट्रोस है वो प्रीमियम हैचबैक कार है। कहने को ये प्रीमियम हैचबैक है, पर लेकिन जो फीचर्स हैं वो टाटा टियागो के XT वेरिएंट में आपको ज़्यादा मिलते हैं अगर आप इसको कंपेयर करते हैं टाटा एल्ट्रोस से। पर लेकिन जब बात आती है डायमेंशन की, तो जैसे आप देखते हैं वो टाटा एल्ट्रोस की बहुत ज़्यादा है और डायमेंशन भी आपको मैं बताता चलूँगा क्या क्या इन कार की है। आप फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए, देखने में भी लग रही है जो टाटा एल्ट्रोस की जो फ्रंट प्रोफाइल है वो कितनी बड़ी है। मेन मोटिव जो है मेरे वीडियो का वो आपको डायमेंशन दिखाना है, कैसी दोनों कार लगती हैं साइड बाई साइड देखने में, और इंटीरियर भी मैं दिखा दूंगा आपको इन दोनों कार्स का। आप फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए, फ्रंट में तो आपको जैसे आप देख सकते हैं जो टाटा टियागो है उसमें भी आपको क्रोम मिल जाता है, एक हेडलाइट से लेकर दूसरी हेडलाइट तक पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। और टाटा एल्ट्रोस के बेस एंड में भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर आपको एक हेडलाइट से लेकर दूसरी हेडलाइट तक आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। फोग लाइट्स आपको दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, और फिर कुछ डिफरेंस नहीं है इनकी दोनों की फ्रंट प्रोफाइल में, पर लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो इनकी साइड प्रोफाइल में है। टाटा एल्ट्रोस के बेस एंड में आपको कोई भी व्हील कवर्स नहीं मिलते हैं, पर लेकिन टाटा टियागो को आप देखते हैं तो जैसे आप देखते हैं यहाँ पर आपको 14 इंच के स्टाइलिश स्टील व्हील्स मिल जाते हैं जो कि देखने में पूरे एलॉय व्हील्स की तरह लगते हैं। और टाटा एल्ट्रोस में भी आपको 14 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे, दोनों में ही आपको 14 इंच के स्टील व्हील्स मिलने वाले हैं। वॉल्यूम आपको पियानो ब्लैक फिनिश का मिल जाएगा यहाँ पर इंडिकेटर के साथ, यहाँ पर आपको वॉल्यूम पियानो ब्लैक फिनिश का मिल जाता है, पर लेकिन जो इंडिकेटर है वो आपको फेंडर पर मिल जाता है। चाहे इसका टॉप वेरियंट लें, हाँ इंडिकेटर आपको फेंडर पे ही मिलता है। डोर हैंडल हो गया आपका बॉडी कलर का, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी आपको यहाँ पर। और मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ टाटा टियागो का, जैसे आप देख सकते हैं आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, स्टीयरिंग मॉड्यूल कंट्रोल्स हो गए, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर हो गया, पावर विंडो जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, पर लेकिन टाटा एल्ट्रोस में आपको नहीं मिलते हैं। अगर आप फीचर्स रिच कार देख रहे हैं तो आप टाटा टियागो के साथ जाइए, अगर आपको डायमेंशन या फिर आपको अपर सेगमेंट चाहिए तो आप टाटा एल्ट्रोस के साथ जा सकते हैं। और ये रही साइड प्रोफाइल टाटा टियागो की, उस तरह की लगती है। और मैं आपको साइड प्रोफाइल टाटा एल्ट्रोस की भी दिखा देता हूँ, और फिर मैं आपको बैक प्रोफाइल भी दिखा दूंगा इन दोनों कार की कैसी लगती है देखने में। ये रही साइड प्रोफाइल टाटा एल्ट्रोस की, और ये रही बैक प्रोफाइल दोनों कार की, जैसे आप देख सकते हैं बैक से भी देखने में जो डायमेंशन है वो टाटा एल्ट्रोस की बहुत ज़्यादा है। और डायमेंशन क्या क्या है इन दोनों कार्स की वो आपकी स्क्रीन पर शो ही होंगी। और बैक में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, वो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो एल्ट्रोस लिखा गया है स्पेस देकर, हैलोजन बल्ब मिल जाएगा आपको उसकी टेल लाइट में, उसमें भी आपको बाइफर डिफोकर बोस्टर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं, और इसमें भी आपको बाइफर डिफोकर बोस्टर जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। चाहे आप फ्रंट प्रोफाइल देखें चाहे आप इसकी बैक प्रोफाइल देखें, देखने में सबसे बढ़िया जो प्रोफाइल लगती है वो टाटा एल्ट्रोस की लगती है। बस साइड प्रोफाइल में आपको स्टाइलिश स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, जिस वजह से टाटा टियागो बढ़िया लगती है। फीचर्स रिच मिल जाती है आपको, इंटीरियर में बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन और कुछ ज़्यादा नहीं है टाटा टियागो में। टाटा एल्ट्रोस में आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, और वहीं पर टाटा टियागो में आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाएगी। और प्राइस मैंने आपको बता ही दिया था दोनों कार का। और दोनों कार में आपको इंजन सेम ही मिल जाएगा, 1200 cc का 1.2 लीटर रेवेट्रॉन इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 85 BHP के पावर, 113 Nm का टॉर्क। और बूट स्पेस हो गया वो आपको टाटा एल्ट्रोस में ज़्यादा मिल जाएगा, टाटा टियागो में आपको कम मिल जाता है। और ग्राउंड क्लीयरेंस आपको टाटा टियागो में ज़्यादा मिल जाएगी, टाटा एल्ट्रोस में कम है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप किसी और का बुकड़ाव देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।